प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। यह खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए स्वर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1,00,000 से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता का वितरण किया। इससे उन्हें बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से की जा रही इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं के स्किल और नॉलेज का नतीजा है। अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को, कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1,00,000 से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1,00,000 से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक खाद्य सुरक्षा भी है। इस लिहाज से वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। PM मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा। इससे एक नई अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र ने FDI में 50,000 करोड़ रुपए को आकर्षित किया है। यह भारत सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का परिणाम है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23, 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। भारत में संस्कृति के साथ ही खाद्य विविधता भी है, जो दुनिया के निवेशकों के लिए एक लाभांश की तरह है। भारतीयों का खानपान पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जो इसे अन्य देशों के मुकाबले विशिष्ट बनाता है। PM ने परंपरा के मुताबिक श्री अन्न को अपनाने पर तो जोर दिया ही, साथ ही कहा कि इसे लेकर पूरे विश्व में जागरूकता आई है। उन्होंने ऐसे उत्पादों को तैयार करने पर जोर दिया जिससे खाने की बर्बादी को रोका जा सके। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट वीमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा, पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। 3 से 5 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों,
उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान कर रहा है। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा रखी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।